हाय गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड पीसी एडिटर्स। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका एफबी अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है और जो व्हाट्सएप है, ये सब हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल ये बड़ा कुछ तो र्यूमर है और कुछ लोगों सच में ही हो रहा है, लोगों का अकाउंट वगैरह हैक हो रहे हैं। तो उसके लिए काफ़ी प्रोटेक्शन है, बस लोगों को दिक्कत है कि पता नहीं है। तो उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन है मैं बताऊँगा, तो किस तरीके। तो सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक में क्या कर सकते हैं आप अपने हैक होने से बचाने के लिए, कि फेसबुक में एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं फेसबुक अपनी तरफ से, जिसमें वो लॉग इन अलर्ट्स के बारे में बताते हैं। तो क्या है लॉग इन अलर्ट्स? लॉग इन अलर्ट्स का मतलब यह है कि आपके अलावा कहीं से भी या आप खुद भी किसी भी कंप्यूटर, फ़ोन, कहीं से भी अगर फेसबुक एक्सेस करोगे तो वो आपको एक मेल भेज देंगे और उसके अंदर बता देंगे इस टाइम पे, इस जगह पे, इस कंप्यूटर के थ्रू आपका अकाउंट लॉगिन हुआ है या आपका फ़ोन के थ्रू जो भी है, तो वो बता देंगे। तो आपको पता चल जाएगा और वो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके एफबी में। तो अगर ऐसा कुछ किसी ने किया होगा तो आपको पता चल जाएगा और उस टाइम पे फिर आप अपनी आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो सिंपल है ये। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप बताए हुए हैं। सिंपल है, क्या बोलते हैं, जो भी है फेसबुक पहले जाना है। तो मैं पहले फेसबुक खोल लेता हूँ। और फेसबुक के अंदर होता है सिक्योरिटी सेटिंग। तो जो सेटिंग का जो ऑप्शन होता है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये रहा, इसके अंदर जाना है। इसके अंदर एक ऑप्शन होगा सिक्योरिटी, इसके अंदर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लॉग इन अलर्ट्स। तो ये जो लॉग इन अलर्ट्स है, इस सेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये रहा ना, सिक्योरिटी के अंदर ये रहा। और इसको एडिट करना है और यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल लॉग इन अलर्ट्स। तो ये जो मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर मेरा लॉग इन हो जाता है और इसको सेव कर देना है। मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, नोटिफिकेशन के लिए भी ऑन कर सकते हो, कि यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास कि आपका यहाँ से लॉगिन हुआ है। और इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसे सेव कर देना है, बस ये आपका सिक्योर हो गया हमेशा के लिए। ओके, तो इसे तो ख़त्म करते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं जीमेल में। जीमेल में क्या कर सकते हैं? तो जीमेल तो बहुत ही अच्छी सर्विस देता है। जीमेल हो, गूगल का कोई भी प्रोडक्ट हो, सब में, यूट्यूब वगैरह जो भी है, गूगल ड्राइव वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो, सब के अंदर बस एक बार एक्टिवेट कर लो, सबके साथ रहता है, वो एक अकाउंट होता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें बोलते हैं जो ये जो सर्विस देता है उसे बोलते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो बेसिकली टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, बेशक आप अपनी आईडी पासवर्ड किसी को भी दे दो, वो लॉगिन जैसे ही करेगा उसको आपका फ़ोन नंबर होना ही चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे एक रन टाइम पे कोड आएगा, वो कोड आपको वापसी डालना पड़ेगा तभी लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा भी गूगल कई मेथड देता है, ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन ही हो आपका, क्या बोलते हैं, दो नंबर उस डाल सकते हो आप उसके अंदर। कुछ बैकअप कोड्स होते हैं, कुछ ऐप होते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं, बट बेसिकली होगा दो बार वेरीफाई। तो ये मैं बता दूँ कैसे करना है। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, आपको जाना है जीमेल पे, जीमेल सर्च करके या डायरेक्ट उसका लिंक डाल के आप जा सकते हो। और एक बार जीमेल पे चले गए, लाइक ये रहा ना जीमेल। तो जीमेल के अंदर करना है आपको साइन इन। तो मैं कर लेता हूँ एक बार साइन इन, तो साइन इन कर लेता हूँ मैं, मेरी आईडी है, हाँ ये मेरी आईडी है, मैंने डाली हुई थी, तो मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। ये पासवर्ड इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। ओके, तो एक बार आपने ये कर दिया, मेरे को ये आईडी है, जीमेल पे लॉगिन हो रहे हैं। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, जब जीमेल पे जाना है और प्रोफाइल पिक्चर जो होती है आपकी, ये प्रोफाइल पिक्चर कुछ डाला होगा तो ठीक है, नहीं तो तब भी यहाँ पे आएगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, माई अकाउंट्स, ये रहना माई अकाउंट्स। और उसके बाद क्या करना है, एक ऑप्शन आएगा साइन इन टू गूगल, तो ये यहीं पे वो ऑप्शन आ जाता है। ये रहा ना, यहाँ पे साइन इन टू गूगल, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा क्लिक ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, और ये फिर से लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे आप इस पर करोगे, ये देखो मेरा यहाँ पे ऑफ है, आपका भी ऑफ होगा, ये रहा ना, ओके करना है। और ये देखो यहाँ पे आ गया ऑप्शन। तो क्या करना है, गेट स्टार्टेड, और ये फिर से आपको लॉगिन करने को बोल रहा है, आपको दोबारा पासवर्ड आईडी डालना पड़ेगा, मैंने सेव किया हुआ है तो इसलिए मेरा आ रहा है। तो ये आपसे वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे नंबर वगैरह, जो मेरा नंबर है मैंने उससे कर रहा हूँ, और टेक्स्ट मैसेज पे अभी आएगा एक मैसेज।
और ये हो जाएगा एक्टिवेट। अब जो कोड आएगा उसको यहाँ पे वापसी करना है, तो मैं देख लेता हूँ मेरे फ़ोन पे कोई कोड आया कि नहीं आया। ओके हाँ, तो कोड मेरे को मिल गया है, तो जो कोड है मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओके तो ये मैंने कोड है जो एंटर कर दिया, ये इन्होंने वेरीफाई कर लिया और ये टर्न ऑन हो गया, इसको ऑन कर दें। ओके ये रहा, अब नेक्स्ट टाइम से कुछ भी होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे SMS आएगा मेरे पास, जब भी मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो मेरे को SMS आना पड़ेगा। तो ये हो गई, ये देखो मैंने बोला था सेट मोबाइल नंबर एंड अदर मेथड्स। ओके अब बात आती है व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप में कैसे करेंगे। व्हाट्सएप में भी 2-स्टेप वेरीफिकेशन मिलता है, पर इसमें जीमेल से थोड़ा हट के मिलता है, तो कैसा है वो मैं बता देता हूँ। ओपन व्हाट्सएप, तो मैं ईमेल लेटर में दिखा रहा हूँ, फ़ोन से भी कर सकते हैं हम, तो वही बात है। व्हाट्सएप ओपन किया, उसके बाद क्या करना है, गो टू सेटिंग, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स के अंदर अकाउंट्स में जाना है, अकाउंट के अंदर लुक फॉर 2-स्टेप वेरिफिकेशन, तो ये रहा हमारा 2-स्टेप वेरिफिकेशन, इसको करना है इनेबल। ओके इनेबल करने के बाद क्या है, इनेबल करने के बाद क्या है, यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन एंटर 6-डिजिट पासकोड, तो कोई भी 6-डिजिट का आप पासकोड एंटर कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपको लगता है कि सिक्योर है आपके लिए। तो मैं बहुत ही बेसिक पासकोड एंटर कर रहा हूँ और ये मैं वेरीफाई भी करा देता हूँ इसे। और यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो आप चाहो तो, मैं अपना कर देता हूँ इसमें जीमेल आईडी ऐड। तो ये मे भी इसलिए होगा कि अगर आप अपना कोड भूल जाते हो तो ये आपको काम आएगा। कंफर्म कर देते हैं, दो बार डालना पड़ेगा। ये लो डन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो गिव मी थम्स अप। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार, जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कोई भी इस रिलेटेड से, और अदरवाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो फिर अच्छा ही है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।